नमस्ते। अरे इस व्यस्तम बंदरगाह वाले शहर के लोग गए कहां? आखिर ये लोग थे कौन? कहते हैं कि ऊपर अल्लाह नीचे अखमानी, बेशुमार दौलत जिसको चाहिए मिल ही जाती थी। मैंने सुना है कि वक्त का पहिया कभी रुकता नहीं, यहां तो जिंदगी जैसे ठहर सी गई। आखिर वह कारण कौन थे कि जिसकी वजह से यह शहर वीरान हो गया? जी हां, यह लखपत है। जो कभी सबसे व्यस्तम बंदरगाह था, यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। यहां से पाकिस्तान बॉर्डर लगभग 30 किलोमीटर है। यहां सन 1818 तक सिंध नदी बहती थी। यहां से व्यापार अरब देशों को, अफ्रीकी देशों को और संसार के अनेक जगहों को होता था। संसार के अनेक भागों के, अनेक भाषा के, अनेक धर्मों के लोग यहां एक साथ रहते थे। आखिर सिंध नदी यहां से गायब क्यों हो गई? कौन सी वह भूगर्भीय घटनाएं हुई, इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। आज से 2300 वर्ष पहले जब सिकंदर की सेना वापस यहां से जाने लगी, तो वह सिंध नदी से इस बंदरगाह के तट पे आई और यहां से पानी की जहाजों में बैठकर वे अपने देश को वापस गई। कहते हैं उस समय यहां सुनामी आया हुआ था और सिकंदर की सेना का बहुत क्षति हुई। आज यहां वीरान रेगिस्तान दिखाई देता, कभी यहां चावल की लहलहाती फसलें हुआ करती थी। ये मैं नहीं कह रहा, यह चाइना से आए 7वीं शताब्दी में वेनसांग नामक यात्री ने अपने किताब सीयूकी में लिखा है कि कैसे इस क्षेत्र में चावल की फसलें उगाई जाती थी और 8 लाख कोरी उस समय की मुद्रा राजस्व के रूप में यहां के राजकोष में जमा कराया जाता था। जो यह गुरुद्वारा देख रहे हैं आप, यहां गुरु नानक देव जी पंजाब से सिंध होते हुए आए थे, यहां प्रवास किए और यहीं से मक्का मदीना के लिए चले गए। उनके पालकी और खड़ाऊ आज भी यहां रखा हुआ है। आखिर 1818-1819 में यहां हुआ क्या जिससे यह फलता फूलता शहर वीरान हो गया? जो सिंध नदी यहां पास से गुजरती थी वह गायब हो गई और उत्तर की तरफ खिसक कर अरब सागर में जा मिली और एक प्राकृतिक बांध अलावंत अस्तित्व में आ गया। हुआ यह कि यहां भूकंप आया और यह पूरा क्षेत्र भूकंप से प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि पृथ्वी की ऊपरी सतह जो है प्लेटों से बनी है और प्लेटें खिसकती हैं और एक दूसरे से जुड़ती हैं। इस टेंशन की वजह से भूकंप आते हैं और जिससे भूगर्भीय घटनाओं के कारण ऊपरी सतह में बदलाव आ जाता। ऐसा ही आप भद्रेश्वर, यहाँ से 150 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ पर एक महादेव का मंदिर है। कभी उसके चारों तरफ ज्वार भाटा का पानी दिन भर में एक बार आता था, लेकिन इस भूकंप के कारण वहाँ पे भी भूगर्भीय रचनाओं में चेंजेज हुआ और वह स्थल ऊपर आ गया। ऐसे ही द्वारिका को देखिए, भूगर्भीय घटनाओं के कारण वह शहर समुद्र में विलीन हो, तो कुछ जो स्थल हैं वह ऊपर उठ जाते हैं भूगर्भीय घटनाओं के कारण और प्लेटों के खिसकने के कारण, और कुछ स्थल जो है नीचे चले जाते हैं। यहां सन 1818 में 15,000 लोग रहते थे, सन 1820 में यहां सिर्फ 6,000 रह गए, और सन 1851 जाते जाते सारे व्यापारियों ने इस शहर को छोड़ दिया। जो घर आप देख रहे हैं वे इन्हीं व्यापारी लोगों के हैं जो आज खंडहर के रूप में विद्यमान दिखाई देते। आसपास मजदूरों के रहने की रिहायशी थी। यहां व्यापारियों के लिए और लोगों के लिए लोकल बाजार हुआ करते थे। यहां संसार के अनेक जगहों के लोग एक साथ रहते थे। यहां गोडाउन होता था जहां सामानों के आवाजाही के समय इसमें रखा जाता था। आज बाजार सुना, यह शहर सुना, यह बंदरगाह सुना, व्यापार सुना। सन 2011 में यहां सिर्फ 500 लोग रह गए। कभी यह बेशुमार दौलत वाला शहर आज कैसे अपने हालात पे विवश है। तुमसे पहले जो शख्स यहां तख्त नसी था, उसे भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकी था। गुजरात के जितने भी बंदरगाह हैं, लोथल को छोड़ करके उसमें से सबसे व्यस्तम बंदरगाह था। आज से 300 साल पहले प्रतिदिन यहां 1 लाख कोरियों का टैक्स वसूला जाता था। इस शहर के विकास के कौन कौन से मुख्य कारण थे वह आगे इस वीडियो में देखिए। यह शहर सिंध नदी के मुहाने पर होने के कारण सिंध नदी के जलमार्ग का प्रयोग किया जाता था। यहां जो सामान बाहर से आते थे, इस क्षेत्र के साथ साथ सिंध नदी से होते हुए पंजाब कश्मीर तक जाते थे, और कश्मीर और पंजाब और अफगानिस्तान के सामानों को सिंध नदी के रास्ते इस बंदरगाह पे लाया जाता था और यहां से अफ्रीकी देशों को, अरब देशों को और दक्षिण भारत को भेजा जाता था।
यहाँ के विकास का जो दूसरा कारण है वह जाडेजा राजवंश और मुगल बादशाह जहांगीर के बीच एक समझौते के कारण है। जहांगीर ने समझौते में जाडेजा राजवंश को कहा कि यहाँ हज पर जाने वाले लोगों से किसी प्रकार का राजस्व न लिया जाए, उसके बदले में मैं कच्छ राज्य को ज्यादा स्वायत्तता देता हूँ। इससे कच्छ राज्य के राजा ने इस क्षेत्र का काफी विकास किया। मांडवी में पानी के जहाज बनाए जाते थे, वही पद्धत आज भी आप देख सकते हैं जो लकड़ी से बनाए जाते थे। अतः जहाजों एवं उसके रिपेयर होने के कारण काफी सहयोग मिलता था और ये पानी की जहाजें अरब देशों को, अफ्रीकी देशों को भी निर्यात किया जाता था। इस क्षेत्र में पहले से ही व्यापारी चारों तरफ बसे हुए थे। झगड़ू शाह का नाम आपने सुना होगा, वे भद्रेश्वर में निवास करते थे और वहां पर भी एक बंदरगाह था, तो व्यापारिक माहौल इस क्षेत्र में पहले से ही था। समुद्र के पास जो किला आप देख रहे हैं, इसे सन 1801 में फतेह मोहम्मद ने बड़ा कराया और साथ ही साथ कहीं कहीं जो टूटा था उसे मरम्मत कराया। यहाँ सूफी संत खोस मोहम्मद जी का दरगाह है, जिसकी दीवारों पर नक्काशी इतने गजब की है कि यह आप वीडियो में देख सकते हैं। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में हमें बताएं, जो कैप्सूल की तरह काम करता। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अगले एपिसोड में किसी नए विषय पर फिर चर्चा होगी। धन्यवाद।